नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। शादी का माहौल था, महीने भर पहले ही विधि विधान के साथ शादियों की तैयारी चल रही थी। दूल्हा अपने सर पर सस्ते सहरे को देख बेहद खुश था, पत्नी के साथ होने वाली सुहागरात के सपने बुन रहा था। दूल्हा बेहद उतावला था, इतना उतावला था कि उससे शादी का इंतजार भी नहीं किया गया और उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में ना तो किसी ने सोचा और ना ही उसकी किसी ने कल्पना की थी। जी हाँ, दूल्हे की उस हरकत ने पूरे समाज के सामने लड़के और लड़के वालों की इज्जत तो तार तार करी दी, बल्कि दुल्हन के सारे सपने तोड़कर रख दिए। उसे सुहागरात की इतनी जल्दी थी कि शादी से 8 दिन पहले ही उसका सब्र का बांध टूटा और अपनी दूर के रिश्ते में आई भाभी पर ही अपनी गंदी नजर जमा बैठा और उसे अपनी हवस का शिकार बना दिया। ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन तो जरूर खिसक गई होगी, तो आइए अब आपको इस पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल ये मामला इंदौर का है, जहां दूल्हे ने शादी से ठीक 8 दिन पहले दूर के रिश्ते में अपनी भाभी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और तो और, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस गलत काम में दूल्हे की बहन भी मददगार बनी। मिली जानकारी के मुताबिक घटना इंदौर से लगे सावेर थाने क्षेत्र के जैतपुर गांव की है। गांव में 28 साल के अनिल की 16 जुलाई को शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए धार की रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ 7 जुलाई को जैतपुर आई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि रिश्ते में वो दूल्हे की दूर के रिश्ते में भाभी लगती थी। शादी से पहले अनिल ने महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी अनिल उसके मामा ससुर का लड़का है। वहीं पीड़िता ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि शादी के बाद मैं अपने घर चली गई थी। दुष्कर्म के बाद में मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने पूरी घटना की जानकारी अपने पति को दे दी। सोमवार को मैं अपने पति के साथ सांवेर थाने पहुंची, जहां मैंने दूल्हे अनिल और उसकी बहन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट में दोनों को जेल भेज दिया गया है। तो देखा आपने, कई बार अपने ऊपर काबू न रख पाना आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है और आपको कितने बड़े दलदल में धकेल सकता है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।